फ़ारेनहाइट की बात करें तो मैं एक बात बता दूं, ये बहुत लीनियर टाइप का परफ्यूम नहीं है। इसके नोट्स बहुत ज़्यादा नोटिसेबल हैं, पता लगते हैं। इसके फर्स्ट नोट पता लगते हैं, इसके सेकंड नोट पता लगते हैं। बहुत यूनिक फ्रेगरेंस है, बहुत क्लासी टाइप की फ्रेगरेंस है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्रांड न्यू चैनल जस्ट फ्रेगरेंस। और आज जिस परफ्यूम का हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो बड़ा ही यूनिक, मस्कुलिन, लेदरी और वुडन नोट्स के साथ बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन है और बड़ा ही फेमस परफ्यूम रहा अभी तक का। और क्रिश्चियन डियोर का स्वाज के बाद अगर कोई दूसरा फेमस परफ्यूम मुझे नज़र आया और जो मैंने यूज़ नहीं किया वो है फ़ारेनहाइट। सो ज़बरदस्त बात अबाउट फ़ारेनहाइट कि इस परफ्यूम को ऑलमोस्ट 33 ईयर्स होने लगे और 33 ईयर्स में इसके बहुत सारे फ्रैंकस आ चुके हैं। मेरे हाथ में इस वक्त इसका एक परफ्यूम वर्जन भी है और क्योंकि इसके नोट मुझे समझ में नहीं आए, उतने मस्कुलिन नहीं लगे, बहुत वुडी और लेदरी नहीं लगे कंपेयर टू इसके जो इसका EDT वर्जन है, ये मुझे इसकी नस्बत बहुत बेहतर लगा। सो, अगर हम बॉटल की बात करते हैं, नाइस सिंपल डिज़ाइन, थोड़ा फेडेड है, ब्लैक टू रेड ऑरेंज मिक्स हो रहा है, अच्छा कॉम्बिनेशन है बॉटल के अंदर कलर का, बट इट इज़ वेरी सिंपल टाइप ऑफ बॉटल। और इसका कैप कुछ ख़ास डिटेल आपको नहीं मिलने वाली कैप पे। और अगर हम बात करते हैं बॉटल पे, ओवरऑल बॉटल पे भी कुछ ख़ास डिटेल इसकी नहीं मिलने वाली। आगे फ़ारेनहाइट है और इसके बॉटम के अंदर एक स्टिकर है जिस पे बाकी तमाम तरह डिटेल मौजूद है। सो ये स्टिकर्ड आता है, ना कि ये इम्बोज या इनग्रेव टाइप का आता है फ़ारेनहाइट का EDT। अगर हम इसका दूसरा वर्जन देखेंगे तो हमें इस पर डिटेल इम्बोज नज़र आने वाली है परफ्यूम वर्जन की, बट अगर हम इसके EDT वर्जन की बात करते हैं तो ये बहुत सिंपल और एक स्मॉल स्टिकर इसके बॉटम पे लगा हुआ है। तो अब हम इसके मेन नोट्स के ऊपर बात करेंगे। मेन नोट्स में ख़ास बात है जो हमने बहुत टाइम से, जिसे मैं ख़ुद भी सुनता हुआ आ रहा था कि इसके अंदर बड़ी पेट्रोलियम वाइब है और बड़ा गैसोलीन टाइप का स्मेल करता है और इस तरह की, आई थिंक वो जो फ्रेगरेंस की और जिस नोट की बात आज होती है कि बड़ा गैसोलीन और बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम टाइप का ये स्मेल करता है, इट इज़ पॉसिबल कि भाई वो 80s में 90s में जो इनके फर्स्ट मस्कुलिन फ्लैंकर्स आए थे, जो ओरिजिनल थे, जो इनकी फर्स्ट रिलीज थी, शायद उसमें उस तरह के नोट्स हों, बट अभी हम बात करते हैं तो ये मुझे ज़्यादा वुडी और लेदरी लगा इंस्टेड ऑफ पेट्रोलियम और काइंड ऑफ गैसोलीन वाइब के। सो मुझे ऐसा लगता है, मैथ है, पॉसिबल है, मैंने 88 का परफ्यूम अभी तक यूज़ नहीं किया, क्रिस्टन डियोर का फ़ारेनहाइट, और शायद उसके अंदर इस तरह का हो, बट जो रिसेंट है, जो लास्ट फ्यू ईयर्स में जो रिलीज़ हुए, अगर हम उनकी बात करते हैं तो उनमें उस तरह के नोट उतने नहीं है जितने सुने गए हैं, बट मोर ऑन लेदरी और वुडी नोट्स आपको ज़्यादा मिलने वाले। यूनिक है कंपोजिशन इसका, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स कंटेन करता है, सो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। हम इसके मेन अकॉर्ड्स पे बात करते हैं। सो अब हम बात करने लगे हैं इसके फर्स्ट नोट के ऊपर, सो ट्राई करते हैं। इसको इतना करीब से सूंघने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा एरोमेटिक है इसका फर्स्ट नोट, इसका फर्स्ट नोट बहुत ज़्यादा एरोमेटिक। हम इसको थोड़ा ड्राई हो लेने देते हैं और फर्स्ट नोट बर्गामोट, मेडिटेरेनियन, ऑरेंज और लेमन जो इसके सिट्रस हैं, इसकी स्मेल को फ्रेश रखने के लिए ओपनिंग के अंदर वो बहुत ज़बरदस्त कंबाइन किए गए हैं नटमेग के साथ, और सेडारवुड का एक अच्छा टच मिलता है बिगनिंग से ही आपको। सो इसका फर्स्ट नोट बहुत ज़बरदस्त है और आइडियली अगर मैं आपको बताऊं तो इसका फर्स्ट नोट विल लास्ट लाइक 2 घंटे या उससे कम, और अगर वेदर अच्छा है, ठंडा है, सो शायद 2 से 3 घंटे। सो इसके फर्स्ट नोट का जो प्रोजेक्शन है वो 2 से 3 घंटे तकरीबन बना रहने वाला है। सो अब हम बात करेंगे इसके सेकंड नोट के ऊपर, और अगर सेकंड नोट की मैं बात करूँ
तो सेकंड नोट के अंदर जो आपको सबसे ज़्यादा नोट होने वाला है वो है सीडारवुड, सैंडलवुड, वायलेट का एक टच बड़ा ज़बरदस्त है। नटमैग की वो जो बिगनिंग थी, जो फ्रेश नोट्स के अंदर आपको फील होता, वो सेकंड नोट में भी मौजूद है। बहुत ही यूनिक वुडी और मस्कुलिन टाइप की स्मेल है, और मैं ये कहूँगा कि इस तरह की फ्रेग्रेंसेस क्रिस्टियन डियोर के अंदर शायद हमें फ़ारेनहाइट के अलावा किसी दूसरे परफ्यूम में ना मिले। और मुझे अभी तक वो जो एक पेट्रोलियम टाइप की जो हाइप थी इस परफ्यूम के नाम के ऊपर, वो नहीं समझ में आई है। हाँ, जो मैं ज़्यादा स्मेल कर पा रहा हूँ वो है लेदरी नोट, वुडी नोट, और जो बहुत मस्कुलिन, बहुत डीप डार्क टाइप की फ्रेग्रेंस है जो आप इसके मिडिल नोट के अंदर मिलने आ लिए। सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और अगर हम अप्रॉक्सीमेट आइडिया करें 2 से 2.5 घंटे गुजर जाने के बाद इसके फर्स्ट नोट के अंदर, सेकंड नोट इसका एक ज़बरदस्त क्लासिक लेदरी और वुडी फ्रेग्रेंस आपको देने वाला है। बेस नोट लेदरी है, बहुत ज़्यादा वुडी है, थोड़े अंबर के टच आपको मिलने आने, थोड़े अंबर के नोट, पचीली के नोट, और उसके बाद थोड़ा मस्की या थोड़ा मस्क का भी एक नोट आपको बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर मिलने वाला है। सो ओवरऑल अगर परफ्यूम की बात करें, कंपोजिशन के अंदर अच्छे खासे इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं, जिसकी वजह से इसकी फ्रेग्रेंस अपने आप में एक यूनिक, क्लासिक और आई विल से एवरग्रीन प्रोडक्ट बाय क्रिस्टियन डियोर अभी तक। हाउएवर इसका जो हमारे पास स्वैज है वो बहुत ज़्यादा फेमस है मार्केट के अंदर, बट इसकी एक अपनी एक क्लास है, क्लासिक परफ्यूम्स के अंदर आता है। सो मैं सजेस्ट करता हूँ कि इसको विंटर सीजन में या स्प्रिंग सीजन में या ठंडे मौसम में यूज़ किया जाए, और ये बहुत ज़बरदस्त आपको परफॉर्मेंस देगा, एक अच्छी प्रोजेक्शन बना के रखेगा। कॉम्प्लीमेंट्स आपको ढेरों मिलने वाले हैं आप जब भी इसको यूज़ करेंगे। सो विंटर सीजन में या स्प्रिंग्स में या एक ठंडे मौसम के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस बनाए रखता है इसके पहले नोट से लेके आखिरी नोट तक। तो जिन लोगों ने अभी तक फ़ारेनहाइट ट्राई नहीं किया, ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। एक बड़ा यूनिक और बड़ा क्लासिक नोट आपको इस फ्रेग्रेंस में मिलने वाला है। ओवरऑल 10 से 8 घंटे एक अच्छी प्रोजेक्शन, अच्छी फ्रेग्रेंस बनाए रखता है आपके क्लोज में, आपके स्किन के ऊपर, उसके बाद जाके थोड़ा फैड होना शुरू हो जाता है। 19 से लेके 23 में आपको मिलने वाला एक कमर्शियल पैकेज, और कमर्शियल पैकेजिंग के अंदर आपको ये 100 ml का बॉटल मिलता है। अगर हम टेस्टर की बात करते हैं, अगर कहीं से आपको इसका टेस्टर मिलता है तो टेस्टर विल गो अप्रॉक्सीमेटली 9 to 13,000, और ये आपको आराम से मिल सकता है। सो किसी अच्छे ऑथेंटिक सेलर से बाय कीजिए। हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आपको आज का हमारा रिव्यू ज़रूर पसंद आया होगा ऑन क्रिस्टियन डियोर फ़ारेनहाइट पे। अगर आप चाहते हैं कि मैं और इसी तरह के अच्छे अच्छे रिव्यू बनाऊँ, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, ताकि हर आने वाले रिव्यू और वीडियो का आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। थैंक यू।